रोमन रेंज समर स्लैम में क्यों नहीं दिखे, समर स्लैम के ऑफ एयर होने के बाद क्या कुछ हुआ, साथ ही साथ सेथ ने क्या कहा अपनी विक्ट्री के ऊपर, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो दोस्तों समर स्लैम 2019 हो चुका है खत्म, जिसके रिजल्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन समर स्लैम में कुछ एक चीजें मिसिंग थी जिसे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समर स्लैम के ऑफ एयर होने की। तो समर स्लैम के ऑफ एयर होने के बाद भी दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस की सेलिब्रेशन कंटिन्यू होते हुए नजर आई। जैसे कि आप जानते हैं कि अंतिम मैच जो था वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में, जिसके अंदर सेथ रॉलिंस जीत गए हैं और बन चुके हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। जिसके बाद क्या देखने को मिला कि जैसे ही कैमरास बंद हुए, ऑडियंस ने बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाया सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस जब तक रैंप पर पहुंचे थे तब तक दोस्तों लोग उनका नाम चिल्ला चिल्लाकर थक चुके थे, क्योंकि दोस्तों जो ये फाइट हुई ये हुई थी कनाडा में। कनाडा में दोस्तों रेसलिंग की काफी ज्यादा इज्जत की जाती है, इसीलिए वहां ब्रॉक से ज्यादा सेथ को सपोर्ट था। वहीं बात की जाए इस विक्टोरी पर सेथ ने क्या कहा, तो सेथ का बैकस्टेज इंटरव्यू भी हुआ, जहां सवाल ये था कि ये जो बीते हफ्ते आपके लिए रहे ये कैसे रहे, क्योंकि हमने देखा कि आप बहुत पिट गए थे और वहां से पिटाई खाकर यहां जीतना, ब्रॉक को हराना कैसा फील कर रहे हैं। तो इस पर सेथ क्या बोले कि मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ब्रॉक को हराने में मेरे शरीर का हर एक अंग लग गया, मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा हूँ। यानी कि वहाँ सेथ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पिटाई भी गाई थी। जिसके बाद वो बोले कि ब्रॉक लेसनर से फाइट करना हमेशा से एक प्रूफ रहा है कि मैं कितना बेहतरीन रेसलर हूँ, और आज की जो ये फाइट थी ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन फाइट थी। चाहे वो रेसलमेनिया को उठा लो, चाहे मेरी जितनी भी पास्ट की फाइट्स को उठा लो, लेकिन उनमें से इस फाइट को मैं सबसे ऊपर रखूँगा और यहाँ मैंने खुद को प्रूफ कर दिया है। तो सेथ रॉलिंस के अनुसार उन्होंने खुद को प्रूफ कर दिया है ब्रॉक लेसनर को क्लीन हराकर। लेकिन बात कर ली जाए बाकी के सुपरस्टार्स की, तो केविन ओवंस का भी इंटरव्यू हुआ। आप जानते हैं आज केविन ओवंस ने भी बहुत बड़ी जीत अर्जित की, उन्होंने दोस्तों शेन मैकमैन को हरा दिया और ये अथॉरिटी वर्सेस कॉमन मैन की फाइट थी। तो ऐसे में केविन ओवंस क्या बोले कि बीती स्मैकडाउन लाइव में जो मेरी पिटाई की थी शेन मैकमैन ने, मेरी फैमिली घर पर टेलीविजन पर ये सब चीज़ें देख रही थी, जिसके बाद मुझे कॉल आया, मेरी फैमिली काफ़ी चिंतित थी मेरे लिए। लेकिन आज जो मैंने शेन मैकमैन को अपनी फैमिली के सामने हराया, क्योंकि मेरी फैमिली आज ऑडियंस में बैठी हुई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ और मैंने अपनी फैमिली और अपने लोगों के बीच साबित कर दिया कि क्या बेस्ट फॉर बिजनेस है, और शेन मैकमैन बिल्कुल भी बेस्ट फॉर बिजनेस नहीं है। यहाँ दोस्तों केविन ओवंस काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए, और केविन ओवंस को दोस्तों कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने शेन मैकमैन के पुश को ख़त्म कर डाला है जैसी खबरें हैं दोस्तों। अब आगे जाकर आपको शेन मैकमैन ज़्यादा बड़े मैचेस के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस आज समर स्लैम का पार्ट नहीं थे, जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है और कई लोगों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि हमसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों था, क्यों रोमन रेंस नहीं आए। तो गाइस इसमें आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि समर स्लैम में रोमन रेंस को बहुत बड़े लेवल पर एडवर्टाइज किया गया था, उन्हें पोस्टर्स के अंदर दिखाया गया था, उनके नाम के पर्चे बढ़ रहे थे कि वो समर स्लैम में फाइट करेंगे, मिस्ट्री पार्टनर जो होगा उनसे वो फाइट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों उसके बाद ये खबर आई कि उन्हें किसी छोटे से सेगमेंट में डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को नहीं मिला। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों विंस मैकमैन की बुकिंग। जी आपने बिल्कुल सही सुना, विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को समर स्लैम के लिए बुक ही नहीं किया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका रीजन तो वही जाने। इसके पीछे का रीजन प्रोबेबली ये हो सकता है कि विंस मैकमैन टाइमिंग एडजस्ट करना चाहते हो, क्योंकि 9 मैचेस थे मेन कार्ड्स के अंदर, तो टाइमिंग का इश्यू रह सकता है। वहीं बात की जाए रोमन रेंस के अगले कदम की, तो वो आपको आज की समर स्लैम में क्लियर होते हुए नजर आ गया, जहां आपने देखा कि कैसे किक ऑफ के अंदर एरिक रोवन ने अटैक किया बड़ी मर्फी के ऊपर। बड़ी मर्फी पर अटैक करने का रीजन ये था कि शायद से बड़ी मर्फी एक और राज जानते हो, या फिर दोस्तों एरिक रोवन उनसे खफा हो कि उन्होंने उनकी पोल खोल दी रोमन रेंस के सामने। अब रोमन रेंस नहीं छोड़ने वाले एरिक रोवन को, और ये चीज देखने को मिलेगी अगली रॉ में। पर दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।